KW13 Max के अंदर अगर आप अलार्म सेटिंग करना चाहते हैं तो वो देख लेते हैं। अलार्म सेटिंग कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले आपने ऐप कनेक्ट करना है, ऐप कनेक्टिविटी की वीडियो देखें जाके, उस तरह ऐप को कनेक्ट करें और फिर आप अलार्म सेटिंग को चेक कर सकते हैं, अपना यूज़ कर सकते हैं आप इसके वॉच के अंदर, अपनी वॉच के अंदर। अलार्म सेटिंग पे टच कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास 3 अलार्म्स आ रहे हैं, अलार्म 1 ही सबके ऊपर लिखा हुआ है। हम इसके ऊपर पहले टच करते हैं। यहाँ पे मेरे पास सेटिंग आ रही है 450 हो रहे हैं, तो मैं इसको 450 बंद कर देता हूँ ताकि मेरा जो अलार्म है वो हो जाए। 450 रिपीट अलार्म नेम मॉर्निंग आफ्टरनून कर देते हैं इसको, और यहाँ पे सेव कर देते हैं 450 बंद के नाम से। 1651 पे अलार्म होगा और वेट करते हैं अब हमारा 1651 होने का ताकि हमारा अलार्म हो सके। यहाँ पे हमने ऑन नहीं किया, ऑन भी कर दें इसको, ऑन मैंने कर दिया है। अब पहले तो हमने सेटिंग की है, उसकी सेटिंग करने के बाद ऑन कर दिया है ऑन। यहाँ पे मैक्सिमम आप 3 अलार्म्स लगा सकते हैं। यहाँ पे वॉच के ऊपर अलार्म की आवाज़ नहीं आई, ना ही वॉच वाइब्रेट की है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमारे पास इसका लोगो शो हुआ है कि अलार्म हो रहा है। तो ये एक थोड़ा लो फीचर लगा, क्योंकि आवाज़ आनी चाहिए अलार्म की, या फिर हमने वॉच पहनी होगी तो हमें ज़्यादा बेहतर पता, तब हमें पता लग सकता है कि हम हमारी वॉच पे अलार्म हो रहा है। तो इस तरह आप अलार्म की सेटिंग कर सकते हैं। 3 ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं अलार्म के। आपने वॉच को पहले ऐप से कनेक्ट करना है, ऐप को कनेक्ट करने के बाद ही आप अलार्म का फीचर यूज़ कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर इंक्रीज़ करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।